हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीआर एंड प्रोटेक्शन, और सीजीआर एंड प्रोटेक्शन में लेसन नंबर वन आपका चल रहा है। और लेसन नंबर वन में आप लोगों का 7 लेसन क्लोज हो चुके हैं, यानी कि 7 लेसन बन चुके हैं और 7 लेक्चर बन चुके हैं, ठीक है। और 7 लेक्चर में पूरा जो आपका लेसन नंबर वन क्लोज हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है, ठीक है। फिलहाल ये लेसन नंबर वन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो पॉलिटेक्निक एग्जाम सेमेस्टर जो दिसंबर या फिर जनवरी में होने वाले हैं, उसमें इस लेसन से रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट हेडिंग हैं जो उस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपके पास समय कम बचे तो आपको इनमें हेडिंगों को देख के आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो यही आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल किस चैप्टर से कौन कौन से हेडिंग एग्जाम में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम लोग पहले आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि लेसन नंबर 7 में कुल टोटल कितनी हेडिंग है और उसमें से हम लोगों ने टोटल मतलब कितनी हेडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो पहले मैं टोटल हेडिंग लिखता हूँ, उसके बाद मैं उन हेडिंगों में बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आ सकते हैं या फिर हमेशा समझिए कि वो आते हैं, ठीक है। इससे हटके कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। और फिलहाल कभी कभी सिलेबस जो आपका ऐसा पेपर देता है पूरा चेंज कर देता है। तो फिलहाल ऐसा कभी कभी करता है, जैसे कि इस साल ड्राइंग के पेपर में हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार आपके क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आपके क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये चैप्टर है इससे मैं जो हेडिंग बताऊंगा उसको वही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तब, ठीक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं तो जो मैं हेडिंग बताऊंगा उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग थी लेसन नंबर वन में जिसको हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, मैंने पहला आप लोगों को हेडिंग बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम क्या होता है। अब इस पे मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हेडिंगें लिखनी है, तो बड़ा बड़ा लिखूंगा तो फिर मिटाना पड़ेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को एमएक्स प्लेयर में जूम करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहले देखते हैं, हेडिंग नंबर वन हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, ये हमारी दूसरी हेडिंग थी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। और तीसरी हेडिंग थी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तीसरी हेडिंग मैंने आप लोगों को बताया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, पहली हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और थर्ड नंबर पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बाद हमारा आया था सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है? इसके बाद 5 नंबर पे आपका आया था टाइप ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे असिमेट्रिकल फॉल्ट,
असाइमेट्रिकल फॉल, ठीक है। और उसके बाद 7 नंबर पे आपका आया था टाइप ऑफ असाइमेट्रिकल ठीक है, टाइप ऑफ असाइमेट्रिकल फॉल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर पे, इतना मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था टाइप ऑफ आपका असिमेट्रिकल पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ जो आपका 8 नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम होते हैं उसके रक्षण के कौन कौन से कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कंडीशन, प्रोटेक्शन कंडीशन, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था और इसमें टोटल आपको स्थितियाँ बताया था, यानी कि कंडीशन के टोटल टाइप के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। और उसके बाद 9 नंबर पे आपको बताया था मैंने स्टेबल, स्टेबल कंडीशन, और 10 नंबर पे आप यहाँ पे 60 में लिखता हूँ आप इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, और ये अनस्टेबल कंडीशन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया कंडीशन, यानी कि कंडीशन के बारे में मैंने आप लोगों को इतना बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ओपन फॉल, ओपन फॉल क्या होता है, एंड यहीं पर मैं लिख देता हूँ एंड वेयर रीजन, ठीक है। ये मैंने दो एडियो को एक ही में कॉम्बिनेशन कर दिया, ओपन फॉल बताया था एंड देयर रीजन, और उसके क्या कौन से कारण होते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और 12 नंबर पे शॉर्ट सर्किट फॉल, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड देयर रीजन, ठीक है। ये आपका हो गया 12। अब आते हैं 13 नंबर पे आर्ट फॉल्ट, आर्ट फॉल्ट एंड रीजन, ठीक है। आर्ट फॉल्ट एंड देयर रीजन, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 14 नंबर पे, इसके बाद मैंने आप लोगों को 6 पार्ट आप लोगों को बताया था, तो मैं 6 पार्ट को एक ही साथ लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कंबाइंड, कंबाइंड पार्ट, और उसके बाद आर्ट लीकेज पार्ट, और लीकेज फॉल, और उसके बाद कोरोना फॉल, कोरोना लीकेज, कोरोना लीकेज फॉल, और उसके बाद ओवर करंट, ओवर करंट 1 2 3 4 ओवर करंट हो गया। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था 5 नंबर पे ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ नंबर पे आपका, फिफ्थ नंबर पे आरपीएफ पार्ट, ठीक है, आरपीएफ पार्ट इतना हो गया। और सिक्स नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था सर्ज पार्ट, ठीक है,
सर्च बार, ये हमारे 14 हेडिंग हो गए इसका। आप देखिए 15 15 हेडिंग पे क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हेडिंग छूट रहा है जो और पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो हमारा 3 पेज सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट उत्पन्न होते हैं वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट इन 3 फेज सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पार्ट इन 3 फेज सिस्टम, ये मुझे बहुत पहले ही आप लोगों को बताना चाहिए था लेकिन छूट गया था, ध्यान नहीं आया, तो फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख दिया। और ये आपका, अब इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका शॉर्ट सर्किट चालू हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसके बाद आपका शॉर्ट सर्किट करें, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान चाहिए। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट सर्किट करंट किस पे निर्भर करती है, ठीक है। तो डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट यानी शॉर्ट सर्किट करंट की निर्भरता किन किन चीजों पे निर्भर करती है, 17। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर पे, 18 नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट की निर्भरता, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट करें, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करें। और उसके बाद आपका आता है 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था, अभी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था वो आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट ईएमटी, ठीक है। और अब देखिए 20 नंबर पे आपका एक और हेडिंग छूट रहा है, उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कंडीशन के बाद था कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है वो विद्युत शक्ति प्रणाली की अस्थायी अवस्था पे कौन कौन सा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ये देखिए, ये टोटल इतनी सारी हेडिंगें मैंने आप लोग बताया था, और 20 से भी ज्यादा हेडिंगें थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, 14 में 6 हेडिंगों को सम्मिलित कर दिया है, नहीं तो बोर्ड पे जो है पूरा आ नहीं पाता, ठीक है। तो मैंने टोटल हेडिंग आप लोगों को लिख दिया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, कोई हेडिंग तो छूटा नहीं है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सेकेंड नंबर पे बताया था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में बताया था, फिर उसके बाद सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था, टाइप ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर 6 नंबर पे है असिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, फिर टाइप ऑफ असिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद प्रोटेक्शन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है, यानी विद्युत शक्ति प्रणाली के रक्षण की कौन कौन सी अवस्था है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। एक तरह से यह उसकी अवस्था के यहाँ पे प्रकार है, ठीक है, और एक तरह से यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक और बताया था यहाँ पे एक और हेडिंग अनस्टेबल कंडीशन क्या होता है और उससे संबंधित एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बढ़ा देता हूँ,
और यहाँ पढ़ा देता हूँ इसको इस नंबर पे, अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन आर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की अस्थायी अवस्था क्या होता है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये आपका अनस्टेबल नहीं था बल्कि अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल कंडीशन था। क्योंकि जो हमारे कंडीशन प्रोटेक्शन कंडीशन बताया था मैंने, वो दो टाइप के बताए थे, एक नॉर्मल कंडीशन और एक अब नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन सिंपली क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, और अब नॉर्मल कंडीशन के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था कि अब नॉर्मल कंडीशन होता क्या है और उसमें कौन कौन से उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये छूटा था, ये भी हो गया। अब उसके बाद और देखते हैं, स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ये भी हो गया। अनस्टेबल ऑफ इलेक्ट्रिक, अनस्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, फिर ओपन पार्ट एंड देयर रीजन, शॉर्ट सर्किट पार्ट एंड देयर रीजन, और पार्ट एंड देयर रीजन, और उसके बाद छह पार्ट आपके हो गए, कंबाइंड पार्ट, अर्थ लीकेज पार्ट, कोरोना लीकेज पार्ट, ओवर करंट पार्ट, और आरपीएफ पार्ट, सर्ज पार्ट। ठीक है, सर्ज पार्ट आपका हो गया। उसके बाद 15 नंबर पे इलेक्ट्रिक पार्ट इन थ्री फेज सिस्टम, और 16 नंबर पे है शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, 17 नंबर पे डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट किस पे निर्भर करती है, और इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट की निर्भरता क्या क्या होती है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट का महत्व क्या होता है, ये भी हो गया। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम ऑन स्टेबल कंडीशन, इलेक्ट्रिक पावर ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, यानी कि जो वैद्युत शक्ति प्रणाली की अस्थायी अवस्था होती है उस पर इलेक्ट्रिक पार्ट कौन कौन से प्रभाव डालता है, ये हो गया। और उसके बाद अब नॉर्मल कंडीशन, इतनी सारी हेडिंगें जो है लेसन नंबर वन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हेडिंग जो इम्पोर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अरे जो आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन उठाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपका अकेले कभी नहीं पूछता, इसके साथ क्वेश्चन जो है मिक्स करके पूछता है। ठीक है, तो क्या क्या अक्सर करके मिक्स करता है, सिमेट्रिकल पार्ट और उसके टाइप, और असिमेट्रिकल पार्ट और उसके टाइप। तो आपके इतने सारे हेडिंग इंपॉर्टेंट हो गए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और ये आपका 7 नंबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल पार्ट और असिमेट्रिकल पार्ट को समझाइए। क्वेश्चन आपका इस तरह से बना के पूछता है, तो ये आपको होगा इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इम्पोर्टेंट, और उसके बाद सिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ये टाइप अभी छोड़ दीजिए, और ये आपका असिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है ये भी आपको होगा। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछता है, तो तीनों हेडिंग को मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया। तो अब चाहे इलेक्ट्रिकल पार्ट पूछे, ये भी कभी कभी अकेले पूछ देता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है, तो अगर अकेले पूछता है तब भी हो गया, और अकेले कभी पूछता है सिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है वो अकेले वो भी पूछेगा तो हो जाएगा, और असिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है ये भी अकेले पूछेगा तो हो जाएगा, प्लस अगर तीनों क्वेश्चन को मिक्स करके पूछता है तब भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों को उस समय मिला के लिख देंगे आप लोग, तो क्वेश्चन जो है सेम टू हेडिंग यही होती है, बस क्या करता है कि एक क्वेश्चन बनाता है तो उसमें कभी कभी दो हेडिंगों को एक साथ पूछ देता है, कभी तीन हेडिंगों को एक साथ पूछ देता है, कभी उसका भावार्थ चेंज करके पूछ देता है। ठीक है, कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है सीधे हिंदी में लिख के पूछ देगा, कभी हिंदी में लिखेगा विद्युत प्रदोष क्या होता है, इस तरह उसका भावार्थ चेंज करता है, और प्लस हेडिंगे मिक्सचर करता है। ठीक है, हेडिंगों को चेंज करता है आपस में, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन जो है आपके डिप्लोमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट चीज है, तीन हेडिंग है, और इलेक्ट्रिक पार्ट क्या हो गया, और सिमेट्रिकल पार्ट क्या हो गया, और असिमेट्रिकल पार्ट क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये पूछता है आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट के कौन कौन से, यानी जो वैद्युत प्रदोष के प्रकार कौन कौन से, तो इसको क्वेश्चन कभी कभी मतलब अकेले पूछता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया है इलेक्ट्रिकल पार्ट के कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट, मैकेनिकल पार्ट, फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट के टाइप बताया अस्थायी अस्थायी। ठीक है, इसी तरह आपके अस्थायी अवस्था के सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, ऐसे मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग वहां पे लिखेंगे, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि ये दोनों हेडिंग आपस में मिक्स कर देता है,
ये इलेक्ट्रिकल पार्ट वाला एडिंग और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, ये दोनों एडिंग में मिक्स करके पूछता है। यानी कि ऐसे पार्ट पूछेगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है समझाइए, तथा यह कितने प्रकार का होता है, इस तरीके से पूछ देता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हेडिंगें सारी यही रहती है, बस दो हेडिंगों, कोई भी दो हेडिंगों को आपस में मिक्स करके पूछता है, या फिर कोई तीन हेडिंग दे देगा, ठीक है। तो बस आप अलग अलग हेडिंगों को जानते रहेंगे, तो हेडिंग चाहे मिक्सचर करके पूछे, चाहे अलग अलग पूछे, आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ये आपका सेकेंड हेडिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट इम्पोर्टेंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। सिमेट्रिकल पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब आपका आता है टाइप ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट। टाइप ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट में कभी कभी जब अकेले पूछता है कि व्हाट इज सिमेट्रिकल पार्ट एंड देयर रीजन, सिमेट्रिकल पार्ट क्या होते हैं और उसके कारण बताइए, तो सिमेट्रिकल पार्ट क्या होते हैं ये तो आप यहाँ पे जान गए। अब उसका रीजन पूछ देगा, तो आप लोग बोलेंगे सर जी रीजन तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं आप लोगों को पहले भी बोलता हूँ कि ये डिप्लोमा का एग्जाम है, इसमें भावार्थ चेंज करके पूछता है, ठीक है। तो रीजन यही है जो आपके टाइप ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट है, ठीक है। जैसे आपका थ्री फेज ओपन पार्ट, तो यह कारण हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में थ्री फेज ओपन पार्ट उत्पन्न हो जाता है, तो वो आपका सिमेट्रिकल पार्ट हो गया। तो बस आप लोग समझिए, कारण आपका पहला ये हो गया, अगर थ्री फेज सिस्टम में शॉर्ट सर्किट पार्ट उत्पन्न हो जाता है, तो इस कारण जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल पार्ट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो इसका टाइप है, अगर पूछता है सिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है, इसके टाइप बताइए, तब भी आप यही लिखेंगे। और ये पूछता है कि सिमेट्रिकल पार्ट क्या है और उसके रीजन बताइए, तब भी आप इन्हीं दोनों हेडिंगों को लिखेंगे। तो आपका पांचवा हेडिंग भी यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया। और छह नंबर पे इसी तरह असिमेट्रिकल पार्ट भी है, पूछ देता है असिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है और उसके टाइप बताइए, या फिर व्हाट इज असिमेट्रिकल पार्ट एंड देयर रीजन। तो इसमें भी आपके ये दोनों हेडिंग हो गए, 7 नंबर, 7वां हेडिंग टाइप ऑफ असिमेट्रिकल पार्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग है आपका प्रोटेक्शन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका ये है स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन। व्हाट इज स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का अस्थायी अवस्था और अस्थायी अवस्था क्या होती है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी जैसे मान लीजिए पांच हेडिंग छोटे छोटे दे देते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानिए। फिर उसके बाद ओपन पार्ट, शॉर्ट सर्किट पार्ट एंड देयर रीजन, ये आप जानिए शॉर्ट सर्किट पार्ट क्या होता है और उसके कौन कौन से कारण होते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है पूछ देता है, ठीक है। और उसके बाद आपका अर्थ पार्ट, देयर रीजन, और ये सिक्स देखिए यहाँ पे जो अर्थ पार्ट एंड देयर रीजन, ये तो सारी बहुत सिंपल चीज है, इसको आप कभी नहीं पढ़ेंगे तब भी आप जानते रहेंगे। तो फिलहाल ये अर्थ पार्ट जो है पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूछता नहीं है, आपके मतलब थर्ड ईयर में कई सारे बुक्स हैं, अगर स्विच गियर में नहीं पूछता है तो अदर जो बुक्स हैं उसमें अर्थ के बारे में पूछ देता है। तो अर्थ के बारे में फिलहाल आप जानते रहिए, फिलहाल मैं इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैं स्विच गियर बता रहा हूँ और स्विच गियर में जो है अर्थ पार्ट और उसका रीजन जो है अभी आता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कम्बाइंड पार्ट, अर्थ लीकेज पार्ट, कोरोना लीकेज पार्ट, ओवर करंट पार्ट, आरपीएफ पार्ट, और यहाँ पे सर्ज पार्ट, ये जो है आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्ज पार्ट, ठीक है। ये आपका सर्ज पार्ट क्या होता है, इससे हम लोग टिक मार लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पार्ट इन थ्री फेज सिस्टम, ये देखिए मेन क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिकल पार्ट इन थ्री फेज सिस्टम, ये मेन क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत बार मतलब बस समझिए कि 1 साल 2 साल का गैपिंग करके इस क्वेश्चन को जो है बार बार पूछता रहता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट इन थ्री फेज सिस्टम की, थ्री फेज सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, 4 नंबर या 4 नंबर का हो सकता है, या 5 नंबर या फिर 2 नंबर, तो ये चूंकि बड़े क्वेश्चन में आता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पार्ट इन थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में कौन कौन से पार्ट उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट, ये बताने की जरूरत नहीं है, डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी आपका नहीं आता है। और इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी आपका नहीं आता है। और सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी नहीं पूछता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑन स्टेबल कंडीशन, ये देखिए मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सबसे बार सबसे वो मेन क्वेश्चन ये, और ये जो है ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की अस्थायी अवस्था होती है उसको कौन कौन से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी चीजें जो है विद्युत शक्ति प्रणाली की अस्थायी अवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें मैंने अतिधारा अवस्था को बताया था, यानी कि अतिधारा फॉल, और उसके बाद ओवरलोड फॉल, उसके बाद लाइन टू ग्राउंड फॉल, फिर टू लाइन टू ग्राउंड फॉल, फिर थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल, थ्री लाइन फॉल, ऐसे मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। और उसके बाद अब नॉर्मल कंडीशन और अस्थायी अवस्था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैंने ये जितने भी हेडिंग आप लोगों को बताया है, ये सारे जो हेडिंग इम्पोर्टेंट है, फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कौन कौन से हेडिंग इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल पार्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सिमेट्रिकल पार्ट और टाइप ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। असिमेट्रिकल पार्ट और टाइप ऑफ असिमेट्रिकल पार्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट हेडिंग है। स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है और उसका रीजन क्या होता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सर्ज फॉल्ट क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन थ्री फेज सिस्टम, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, तो ये सारी हेडिंगे जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस चैप्टर से इतने सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कई सारे हेडिंगों को आपस में मिक्स करके भी पूछ सकता है और हेडिंगों को अलग अलग भी पूछ सकता है। अगर मिक्स करके पूछेगा तो वो ज्यादा नंबर के होंगे, और अगर अकेले पूछेगा तो वो कम नंबर के होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके निर्भर करता है आप कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का होगा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्विच एवं आइसोलेटर क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल लेक्चर नंबर 1 खत्म हो चुका है, अब इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ते करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो कब मैं कौन सा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा। जैसे अभी सेमेस्टर में जो आपके सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग गलत बुक काटेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी गलत होगी। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको मुझसे कोई गलती ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।